अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वालेकुम सब? सलाम। अलहमदुल्ला सर जी, ओके, आप कैसे हैं? व्हाट गोइंग ऑन? अच्छा जी, तो आई होप आप सब लोग ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बताइए कि आप सब लोग ठीक हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। अच्छा, कोई भी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द गाइस दैट जॉइंड इन टुडेज सेशंस। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास है जी फराज अहमद, वेलकम टू द सेशन। मोहम्मद असदुल्ला, वेलकम। वकास, वेलकम। राना हमजा, वेलकम। राशिद मिन्हास, वेलकम। सुमेरा अहसन, वेलकम। उमेर कमर, वेलकम। अब्दुल्ला, वेलकम। आई होप सबको वेलकम कर चुका हूँ मैं, कोई रह नहीं गया। ओके, सो सबसे पहले तो आज का जो हमारा जूम सेशन है ऑन द रिएक्ट कोर्स, तो इसके अंदर हम कुछ कंसर्न्स पे बात करेंगे, उन चीज किस किस कुछ चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। कुछ चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और मैं आप लोगों के कुछ रिलेटेड टू द कोर्स कोर्स के लिए कोर्स के अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चन कंसर्न क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं देखूंगा। और उसके बाद आपको कोई गाइडेंस चाहिए दैट यू वांट इन द कोर्स कोर्स के रिलेटेड, अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं वो भी आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा कि हाउ यू आर गोइंग टू टेक द कोर्स, हाउ यू आर गोइंग टू लर्न द कोर्स, हाउ यू आर गोइंग टू मेक द कोर्स लर्न। ओके, अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन एक आया है। वकास कह रहे हैं सर सेशन रखा क्यों है? सेशन इसलिए रखा है कि ताकि हम यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्स के रेलिवेंट जो आप कोर्स कर रहे हैं रिएक्ट जेएस का, उसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चंस आपके, उसके अगर कोई कोर्स के अंदर कोई कंफ्यूजन है आपको किस चीज़ की, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो कोर्स के रिलेटेड गाइडेंस, रिएक्ट जेएस के रिलेटेड कोई गाइडेंस अगर आपको कोई कंफ्यूजन है उसमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर स्किल्स ऑन रिएक्ट जेएस, अपनी रिएक्ट जेएस को किस तरह से यूटिलाइज करके यू आर गोइंग टू बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स, यू आर गोइंग टू बिल्ड वेब एप्लीकेशंस एज अ फ्रीलांसर और एज अ रिमोट वर्किंग और किसी कंपनी के साथ लिंक हो, हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दी स्किल्स। ठीक है जी। सो अच्छा, तो यहाँ पे सैयद मुहिबुल हक, सबसे पहले तो वेलकम, आई थिंक आई वेलकम यू, मैं आपको वेलकम करता हूँ। उसके बाद आपने कहा सर इफ कैन क्रिएट ग्रुप ऑन व्हाट्सएप और अच्छा हो जाएगा, अपडेटेड इन ऑल एक्टिविटी। एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे जब व्हाट्सएप ग्रुप की अगर हम बात करें, अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को टुगेदर किया जाए, आप लोगों को ज्वाइन करवाया जाए सारा, तो इट्स अ गुड आइडिया। बट बात ये है कि जब ग्रुप्स में ऐड करते हैं तो आप स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली बड़ी स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो 100 से 1000 की स्ट्रेंथ में स्टूडेंट्स होते हैं। अगर उनके ग्रुप्स हम बनाएंगे तो कोर्स के रेलिवेंट जो भी स्टूडेंट्स होंगे, तो उसका इश्यू ये होगा, एक तो उस ग्रुप को एक तो मैनेज भी करना होता है, और दूसरा हर किस्म की
कि लोग हर किस्म के स्टूडेंट्स की जो एक मेंटेलिटी होती है वो उस तरह से नहीं होती कि इस तरह से पब्लिकली ग्रुप को लेके चले, कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे इन्वायरमेंट खराब होता है। दूसरा ये है कि ग्रुप में ज़्यादा तादाद भी नहीं आ सकती, क्योंकि एक स्पेसिफिक टारगेट अमाउंट के बाद जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं वो उसमें लिमिटेशंस होती हैं ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। बादों का ग्रुप जो होते हैं वो बंद भी हो जाते हैं, ठीक है। ओनली स्पेसिफिक रिएक्ट जेएस ग्रुप फॉर साइन इन ETC। यही बात मैंने की, अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप स्पेसिफिक कोर्स की मैंने बात की, स्पेसिफिक कोर्स भी अगर आप ग्रुप्स बनाते हैं तो उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना, वो बाज़ औक़ात बहुत एक ऐसे नहीं होता कि किसी भी बंदे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई आपस में ऐसी ऐसी बात हो जाती है तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम होता है। प्रोफेशनल ग्रुप अभी बात ही है कि आप लोग अभी इस तरह से प्रोफेशनलिज्म में अभी आए नहीं है, तो मैं आपको गाइड भी करूँगा कि प्रोफेशनलिज्म में कैसे आपने आना है अपने कोर्स के रेलिवेंट, ठीक है, ताकि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो उसमें आपको जो है वो ग्रोथ आपकी हो एज अ डिवेलपर, किस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करेंगे और ताकि आपका इम्प्रेशन कैसे पड़ेगा बंदे पे, तो ये चीज़ें सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। तो बाकी क्वेश्चंस का जहाँ तक ताल्लुक है, जब आप कोर्स करें तो आपके जो LMS के ऊपर एक पोर्टल बना हुआ है चैट का, वहाँ पे आप क्वेरीज सेंड कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने करने हैं आप कर सकते हैं, रेलेवेंट आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर वेल, और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान है, और उम्मीद तो यही है कि सबका रोजा है कि नहीं, बताइए किस किस का रोजा है सबसे पहले, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। ओके, क्योंकि मेरा रोजा है और आज मुझे रोजा लग रहा है, तो लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सक्सेसफुली इसको कंडक्ट करने। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, सबसे पहले हमारा जो कंसर्न क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप मुझे ये बताइए कि चैट बॉक्स के अंदर अब वन बाय वन हर एक जो स्टूडेंट है वो पूछेगा क्वेश्चन कोर्स के रेलेवेंट, कोर्स में अगर आप लोग गाइडेंस चाहिए, ठीक है, किसी भी टॉपिक के रेलेवेंट, किसी भी कोर्स के रेलेवेंट, तो आप वन बाय वन करके आप स्टार्ट करें, ठीक है, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। ओके, वन बाय वन स्टार्ट करें क्वेश्चन, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको हर एक क्वेश्चन को इलेबोरेट कर दूँ, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे जी हमारे साथ सैयद मुहिबुल हक हैं, बेजाज हैं, फराज हैं, मोहम्मद असदुल्ला हैं, राना हमजा हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग वन बाय वन चैट के अंदर मुझे अपना अपना कंसर्न क्वेश्चन मुझे भेज दें, ताकि मैं आप लोगों को गाइड करूं अकॉर्डिंग टू रिएक्ट जेएस, और गेट जेएस के अलावा अगर उसके बाद आपको लगता है कि हमें किसी गाइडेंस की ज़रूरत है कोर्स के अंदर या किसी टॉपिक के अंदर अकॉर्डिंग टू द रिएक्ट, ठीक है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आप वन बाई वन चैट में मैसेज लिख के मुझे सेंड करें, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करूँ।
चैट बॉक्स के अंदर सारे कमेंट करके बताएं कि मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको, कोई इशू तो नहीं आ रहा मेरे एंड से इंटरनेट, आई थिंक सम प्रॉब्लम इज ऑफकोर्स, एंड आप लोग मुझे बताएं कि कमेंट करके बता दें काइंडली क्विकली काइंडली. ओके अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि मुझे जरा काइंडली बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है. नो सर, डिस्टर्ब है वॉइस में. ओके कैन यू प्लीज टेक मी सम 2 मिनट्स, मैं यहाँ पे जरा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, इंटरनेट का एक प्रॉब्लम है. मुझे 2 मिनट दीजिएगा काइंडली, स्टे विद मी.
Okay, so we are now good to go. I hope अब कुछ बेहतर हो चुका होगा सब कुछ. मुझे बताइए जरा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को चैट बॉक्स में? क्विकली मुझे बताइएगा, क्विकली जरा आप लोग मैसेज कीजिएगा ताकि मैं देख सकूँ. Okay, good. We are good. Yes, sir, बेहतर है पहले से. We are good now. Okay. So now what we are discussing, let me quickly. अच्छा जी, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे जी. मैं आपसे मैं कह रहा था कि जी आप लोग अपना अपना कंसर्न क्वेश्चन मुझे यहाँ ड्रॉप करें चैट बॉक्स के, ताकि मैं पढ़ के ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ अकॉर्डिंग टू द कोर्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है. सैयद मुहिबुल हक कह रहे हैं जी, यस आई वांट नो अबाउट दिस ऑन बेसिक लेवल एंड वांट टू परसू विद फ्रीलांसिंग वर्क अलोंग अलोंग विद माय जॉब बिकॉज आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड फार्मासिस्ट डॉक्टर ऑफ मेडिसिन. ओके, सो यू आर अ फार्मासिस्ट. ओके, और आपने ज्वाइन किया है एज अ बिगिनर, और बिगिनर लेवल पे आप देखें यहाँ पे हम बात करते हैं जब आपने लेट सपोज यू आर बिकम अ डेवलपर ऑफ रिएक्ट जेएस. ठीक है, अब रिएक्ट जेएस के साथ आपको ऑब्वियसली नॉलेज होनी चाहिए फ्रंट एंड लैंग्वेजेस की, जो कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड ES6 एज वेल दैट वी आर टीचिंग यू इन द कोर्स. ओके, जब आप एज अ फ्रीलांसर रिएक्ट जेएस के लिए आप कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं एज अ फ्रीलांसर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि एज अ फ्रीलांसर आप किस तरह से मार्केट में जाके प्रोजेक्ट को विन कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात होती है सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप लोगों का जो स्किल सेट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, दूसरा आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रॉन्ग है, दूसरा आपका क्लाइंट को हैंडल करना, क्लाइंट को ग्रैब करने का जो जो स्किल है वो क्या है. तीन चीज़ें होती हैं, एक स्किल सेट, आपका पोर्टफोलियो और द वे यू आर इंटरेक्टिंग विद द That was अच्छा. मैं जब फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर जब काम कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ एज अ रिएक्ट जेएस डेवलपर. ठीक है, हमारे पास जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली चल रहे हैं नोड जेएस के, दैट इज अ फुल स्टैक. तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्किल सेट की. सबसे पहले जब आपने रिएक्ट को लर्न किया, ठीक है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज आ गया एज अ डेवलपर. ठीक है, अब मार्केट के अंदर आपने जो क्लाइंट से प्रोजेक्ट विन करना है, तो उसके लिए आपको उसको कुछ रिप्रेजेंट भी करना होता है. वो क्या होता है, वो आपका पोर्टफोलियो होता है. पोर्टफोलियो क्या होता है, जो आपका एक्सपीरियंस है. ठीक है, आपने एक्सपीरियंस क्या किया और आपने इतने एक्सपीरियंस में क्या बिल्ड किया अभी तक, That is work as a product that you are showing to your client. कोई भी वेबसाइट आपने बिल्ड किया है या उसका फ्रंट एंड या बैक एंड, एज अ डिवेलपर आपने काम किया, थोड़ा सा भी काम किया उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो एज अ आपका पोर्टफोलियो जाता है क्लाइंट के लिए. ठीक है, मतलब फ्री लांसर में जब बात करूँ, ठीक, तो अब वहाँ पे वो आपका विन विन, वो आपकी विन विन पोजिशन होती है. ठीक है, जब आपने क्लाइंट को ग्रैब भी कर लिया और आपने अपना पोर्टफोलियो दिखा के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर लिया और अपने प्रोडक्ट्स उसको इम्प्रेस भी कर लिया, तब देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस दैट आप उस प्रोजेक्ट को विन करेंगे. अब एज अ फ्रीलांसर, अब आप कह रहे हैं कि जी मैं फार्मासिस्ट भी हूँ, मैं एक बिल्कुल अलग एक फील्ड है फार्मासिस्ट की, ऑब्वियसली एक
अलग फील्ड है और आप साथ में फ्रीलांसिंग को भी कैरी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप देखना होता है कि आपके पास वाकई क्या इतना टाइम है कि आप एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लोग हम लोग जब जॉब के साथ साथ हम एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी हर्डल्स होती हैं कि हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें, ठीक है। तो इसलिए वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस तरह से इन दोनों चीज़ों को मैनेज करते हैं। हम तो कर रहे हैं, लेकिन वी एज अ डिवेलपर हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी दोनों साइड्स पे हमारी डोमेन एक है, लेकिन आप एक डिफरेंट डोमेन पे और इधर आप डिफरेंट डोमेन पे, तो वो आप को मैनेज करना होगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, सो ये बेसिक जो गाइडलाइंस है अकॉर्डिंग टू द फ्रीलांसर, तो आप इस तरह से जॉब के साथ उसको कैरी कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास है जी, प्लीज टेल मी अबाउट द रिएक्ट एक्सपीरियंस यू हैव इन लास्ट टाइम, माय बैड एक्सपीरियंस इन द लास्ट अटेम्प्ट गेट कोर्स ऑन द पीएफटीपी। आई एम द जावास्क्रिप्ट डेवलपर एंड आई होप नाउ द टीचर विल एक्सपीरियंस। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सो मच एक्सपीरियंस की आपने जहाँ तक बात की, तो मेरा जो डेवलपमेंट साइड पे जो एक्सपीरियंस है सर रिएक्ट जेएस है वो 3 इयर्स प्लस का है। आई हैव बिल्ड सम एप्लीकेशंस दैट रिगार्डिंग रिएक्ट जेएस, और इस वक्त हम करेंटली नोड जेएस के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ओके, सो we have the team that we are working together. Okay, so उसके बाद सैयद मुहिबुल हक कह रहे हैं जी, yes I will manage. Okay, अगर आप manage कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिएगा। Okay, so यहाँ पे उमेर कमर कह रहे हैं जी, is ReactJS suitable for people with known IT background? Good question. अब ये जो question है यहाँ पे ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया है कि सूटेबल है भी कि नहीं, बिकॉज जो बंदा नॉन आईटी है उसको क्या पता कि एचटीएमएल क्या होती है, उसको क्या पता कि सीएसएस क्या होती है और जावास्क्रिप्ट क्या होती है। इनको तो छोड़ने प्रोग्रामिंग का भी नहीं आइडिया होता लोगों को, ठीक है। अब जिस बंदे ने कोर्स में इनरोल किया हुआ, ठीक है, रिएक्ट जेएस के कोर्स में एनरोल किया, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी बंदे को प्रोग्रामिंग नहीं आती और वो उठ के कहते हैं जी मैं रिएक्ट जेएस का कोर्स करना, तो उसका क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को, ठीक है। या आप लोगों को ये नहीं पता कि एचटीएमएल क्या होती है, सीएसएस क्या होती है, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड का नॉलेज ही नहीं होगा तो आप रिएक्ट पे कैसे मूव करेंगे। जावास्क्रिप्ट आपको नॉलेज नहीं होगा, एक्सप्रेस का नॉलेज नहीं होगा, मोंगोडीबी का डेटाबेस का पता नहीं होगा, तो आप किस तरह से नोड जेएस में जाएंगे, कि किस तरह से बैकएंड से एपीआई फेच करेंगे आप, रेस्ट एपीआई किस तरह लिखेंगे आप। तो उसके लिए क्या होता है कि ऑब्वियसली हर बंदे को पता होता है कि मैंने क्या करना है, मैंने कौन सा किस कोर्स में मैंने जाना है, मैंने मेरा बैकग्राउंड क्योंकि डिफरेंट है। तो अगर आप लोगों को रिएक्ट जेएस की अगर मैं बात करूँ कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो यू डोंट हैव टू ज्वाइन द कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनके नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको HTML का पता होना चाहिए, HTML क्या होती है, CSS क्या होती है, JavaScript क्या होती है, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज JavaScript, बिकॉज हम JavaScript के साथ ही वर्किंग कर रहे होते हैं React.js के अंदर, because React.js is a component based JavaScript library, is a JavaScript library, okay. तो हम JavaScript
को यूटिलाइज करके हम रिएक्ट के अंदर वर्किंग करते हैं, जो भी हम कोड करते हैं, चाहे वो हम एचटीएमएल लिख रहे हैं तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं लाइक फ्रंट एंड दीज लैंग्वेज दीज टेक्नोलॉजीज दैट वी आर गोइंग टू वर्क विद देम, दैट इज एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप भी आप कह लें, बूटस्ट्रैप भी आ जाती है और जावास्क्रिप्ट भी आ जाती है, ठीक है। ओके, सो इन चीज़ों का अगर आपको नॉलेज नहीं होता तो आप फिर हाउ यू आर गोइंग टू गेट द कोर्स ऑफ रिएक्ट जेएस, हाउ यू आर गोइंग टू लर्न, किस तरह से आप चीज़ों को लेंगे। तो इस तरह से नहीं होता कि कोई भी किसी बंदे को पता ना हो कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा है और मैं इसके बारे में जानता क्या हूँ, ठीक है। यानी कि मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, जावास्क्रिप्ट भी आपको आती है, आपको ES6 नहीं आती, दैट इज़ अ मॉडर्न वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि बेसिक जावास्क्रिप्ट जो पुराना 2015 से जो पहले के वर्जन है जावास्क्रिप्ट का उसके अंदर जो फीचर्स नहीं होते नहीं है, वो अब मॉडर्न वर्जन ES6 ECMAScript 6 उसके अंदर जो न्यू फीचर्स हैं जो रिएक्ट के अंदर यूज़ होते हैं उसके लिए आपको फेमिलियर होना पड़ता है ES6 के अंदर, जावास्क्रिप्ट के मॉडर्न वर्जन के, तब जाके आप उस कोर्स को आप उस कोर्स में एनरोल होते हैं। आपको किसी चीज़ों का आइडिया होता है बिकॉज वे आर व्हेन वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद प्रोग्रामिंग, अगर हम प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग को सिखाते पहले, ठीक है जी, प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके बाद हम सिखाते हैं जी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज पे बात करेंगे, फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, HTML सिखाएंगे, फिर आपको CSS सिखाएंगे, Bootstrap सिखाएंगे, फिर आपको JavaScript सिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर फिर उसके बाद ES6 सिखाएंगे फिर रिएक्ट पे आएंगे तो आप अंदाजा लगा लें कि आपका कोर्स कहाँ तक जाएगा, यू कैन इजीली एस्टिमेट दैट आइडिया। तो एज आपने कहा कि जी नॉन जो कंसर्न बंदे होते हैं आईटी के साथ वो किस तरह से करते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप बिगिनर हैं तो आपका आईटी के साथ कोई लिंक ही नहीं है, तो यू डोंट हैव टू ज्वाइन द डायरेक्टली रिएक्ट जेएस को, डायरेक्टली आप इस कोर्स में नहीं आ सकते क्योंकि आप लोगों को चीज़ों का आइडिया नहीं होगा जो हम यूज़ करेंगे, आप कहेंगे ये क्या है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ इसके बारे में कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि आप अगर नॉन प्रोफेशनल नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये चीज़ें सबसे पहले सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप नेक्स्ट किसी टेक्नोलॉजी पर मूव करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन Node.js, बट आई एम एक्साइटेड टू वर्क विद यू सर। ओके, थैंक यू, आई एम इंटरेस्टेड नोड, ओके सो यू आर इंटरेस्टेड इन Node.js, आप जरूर Node.js को सीखें, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड एन एप्लीकेशन एज अ फुल स्टैक डिवेलपर, ठीक है, so React as well and Express.js, ठीक है। Okay, so you are going excited to work with you, okay, inshallah I will approach you if you are in my approach and we will inshallah discuss about the things that you are experiencing and you are expert in, okay, thank you. Acha, next one of us, can I join your team? I have recently completed my internship as full stack Node developer in Nova, Pakistan, and I'm looking for any better opportunity. अच्छा जी, टीम को ज्वाइन करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं ऑब्वियसली, जब जहाँ भी आप जाते हैं आपको सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, दूसरा हम देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी स्ट्रॉन्ग है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, कि आप प्रॉब्लम्स को किस तरह कितने क्लेवरली आप सॉल्व कर सकते हैं, कितने शार्प हैं आप, ठीक है। कोई भी हम प्रॉब्लम दे देते हैं बच्चों को कि इसको सॉल्व करके दें, तो तब अगर वो उसको सॉल्व कर लेता है तो उसका पता चल जाता है कि इसका एक्सपीरियंस क्या है और कितना कॉम्पिटेंट है इस चीज़ के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर।
और इंटर्नशिप की जहाँ तक बात है कि आप इस कोर्स को अगर कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, असाइनमेंट्स टाइमली और अच्छे तरीके से आप उनको अटेम्प्ट करते हैं और प्रोजेक्ट्स को अच्छे तरीके जिस तरह बताया जाता है उसी तरह अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके बाद आपके जो टेस्ट होते हैं गैट के टेस्ट होते हैं उनको आप कंप्लीट करते हैं, तो यू आर गोइंग टू बी गेट अ चांस फॉर इंटर्नशिप एज वेल एज स्कॉलरशिप। इंटर्नशिप भी हम आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। इंटर्नशिप का ये प्रोसेस होगा कि हम आपको जब आप इंटरेस्टेड होंगे हम आपको बुलाएंगे तो आप का थोड़ा सा आपसे नॉलेज लिया जाएगा कि आपने जो कोर्स सीखा है, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या क्या सीखा है अभी तक, ठीक है। तो उसके बाद हम आपको इंटर्नशिप भी देंगे, ठीक है। इंटर्नशिप को अगर आप क्लियर करते हैं जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वी विल ऑफर यू अ जॉब, ठीक है। सो यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स फर्स्ट, उसके बाद कुछ इम्तिहान आपको पास करने पड़ेंगे तब जाके आप एज ए इंटर्नशिप हमारे साथ काम करें, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, किसी और स्टूडेंट का अगर कोई कंसर्न क्वेश्चन है तो ज़रा मुझे गाइड कीजिएगा, सॉरी मुझे बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को गाइड करूँ। मुझे भी गाइड कीजिएगा अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी बात है जो मुझे ना पता हो, यू कैन गाइड मी एज वेल। ओके सो अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा भी आप सब लोगों से है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली व्हाई रिएक्ट, कैन यू एनीवन एक्सप्लेन मी दैट व्हाई रिएक्ट, व्हाई वी यूज रिएक्ट, व्हाई वी चूज रिएक्ट, वन बाय वन हर एक बंदा, हर एक पर्सन, हर एक स्टूडेंट मुझे बताए कि व्हाई यू सिलेक्टेड दिस कोर्स। Sir, got points I am willing for this course. Your but basic HTML JavaScript ka knowledge hai. Okay. Basic HTML aur JavaScript ka knowledge hai. Aapko CSS ka bhi knowledge hona chahiye. Theek hai. Bootstrap ka bhi knowledge hona chahiye. To phir you are going. Obviously, aapko JavaScript ka knowledge hai, to you aapko programming ka bhi knowledge ho. To aap then you can join the course kyunki ES6 aapko seekhne ki zarurat nahi padegi, ES6 pehle hi aapko sikhai jayegi course ke andar, uske baad aapko react pe shift kar diya jayega। ओके उसके बाद सर नाउ आई एम वर्किंग आई विल गिव दिस क्वेश्चन टाइम ओके व्हेनेवर यू वांट। ओके सर कैन यू ओपन द माइक, अगर आपको क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट आस्क इन द चैट बॉक्स। माइक इस तरह से ओपन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं जो फिर यहाँ पे मुझे समझ नहीं आएगी कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, इसमें अच्छा है
सर रिपीट कर दें कौन कौन सी HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap as well, Bootstrap का भी थोड़ा टच आप ले सकते हैं, इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, इन तीन लैंग्वेजेस, मेजर लैंग्वेजेस HTML, CSS, JavaScript एंड Bootstrap एज अ फ्रंट एंड डेवलपर. Why React prefer over other framework or vanilla JavaScript? अच्छा जी, ओके. सो रिएक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, क्यों हम रिएक्ट को यूज करते हैं, ठीक है, जब आप बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो हम बात करते हैं वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, किस लेवल की परफॉर्मेंस है, ओके. आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है और आपकी वेबसाइट की स्टेबिलिटी क्या है, आपकी वेबसाइट की जो एग्जीक्यूशन है वो क्या है, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी क्या है, ठीक है. जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तब हमारे पास when then the React JS is come to the picture. Okay. Like if I talk about performance की अगर हम बात करें कि as compared to another website that is a custom HTML CSS with a JavaScript that built, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो उनका जो रिस्पांस होता है, ठीक है, एज अ क्लाइंट साइड अगर हम बात करते हैं, ठीक है, दिस तो क्लाइंट साइड की बात है, एक दूसरा सर्वर साइड की. हम क्लाइंट साइड की बात करते हैं क्योंकि हम वी आर बिल्डिंग यूआईस, यूजर इंटरफेसेस दैट यूजर कैन इंटरफेस विद आवर वेब एप्लीकेशन. यानी कि रिस्पॉन्ड की बात करें कि आपका जो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने जिसको हम डॉम कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की जो आपकी एग्जीक्यूशन है उसकी हम बात करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट आपका किस तरह से रेंडर हो रहा है ब्राउजर के अंदर. व्हेनेवर जब भी हम कोई भी वेबसाइट लाइक जावास्क्रिप्ट बनी होती है, HTML, CSS, दैट इज यू आर सेइंग दैट, तो उसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी कोई भी हमारे पेज पे कोई चीज़ अपडेट हो रही होती है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है कि पेज लोड होता है. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पेज लोड होता है. अब उस पेज लोड होने के दौरान, उस रेंडरिंग के दौरान, दैट इज अ रियल डॉम इज रेंडरिंग, वो उसको हम कहते हैं रियल डॉम, ठीक है. रियल डॉम क्या होती है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपडेट होती है सारी, किसी भी अपडेशन पे, लाइक किसी लिंक को हमने क्लिक किया, अब वो क्या होगा, आपकी सारी डॉम अपडेट होती है, ईच एंड एवरी नॉट डॉम नॉट दैट यू हैव प्लेस्ड इन योर HTML, ठीक है, वो आपकी अपडेट होती है हर एक अपडेशन पे. लेकिन रिएक्ट के अंदर इस तरह नहीं होता. रिएक्ट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं नॉट रियल डॉम, हम यूज करते हैं वर्चुअल डॉम, ठीक है. अब वर्चुअल डॉम क्या होती है, वर्चुअल डॉम की जो प्रोसेसिंग है वो क्या होती है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल सॉरी रियल डॉम. रियल डॉम की मैंने आपको बताया कि वो किस तरह से रेंडर होती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से अपडेट होती है. अब वर्चुअल डॉम क्या होती है, वर्चुअल डॉम बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है डॉक्यूमेंटेशन की इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, उसको हम वर्चुअल डॉम कहते हैं. यानी कि जो हमने अपनी जो डॉम सेट करनी है, अपनी जो डॉम क्रिएट करनी है, अपनी जो डॉम नोड्स हमने बिल्ड करने, वो हम विद इन द जावास्क्रिप्ट बिल्ड करते हैं, जावास्क्रिप्ट की रिप्रेजेंटेशन के अंदर के साथ हम बिल्ड करते हैं. JavaScript उस DOM को रिप्रेजेंट कर रही होती है ऑन when our web page is loading on a browser. JavaScript उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है.
जिस तरह हम रिएक्ट जेएस की बात करते हैं, रिएक्ट जेएस के अंदर जब हम किसी भी लाइक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम उसके अंदर अपनी जेएसएक्स को लिख रहे होते हैं, ठीक है, अपने लाइक डिव, हम कोई डिव क्रिएट करते हैं, बटन ले लेते हैं, लाइक सपोज एक पूरा कंपोनेंट हम बना देते हैं, तो वो बेसिकली हम फंक्शन के अंदर उसको बना रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन दैट रिटर्न्स दैट एन एलिमेंट, ठीक है, फंक्शन जो है वो उस एलिमेंट जो हमारा डिव जो हमारी फ्रेगमेंट एलिमेंट होती है उसको वहां से रिटर्न करता है, और उसके अंदर जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है वो बेसिकली कहलाती है वर्चुअल डॉम, ठीक है, तो उसके लाइक रिएक्ट जेएस के अंदर, व्यू जेएस के अंदर जो हमारी यूज होती है वो होती है सॉरी वर्चुअल डॉम। मैं आपको एक डेमो दिखा दूं कि किस तरह से एक रिएक्ट की वेबसाइट वर्क करती है। मैं यहाँ पे जरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप सबके साथ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, ओके। अब यहाँ पे आते हैं हम अपनी ये रिएक्ट की वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, अब ये जो वेबसाइट एक बिल्ड हुई है, एक वेब एप्लीकेशन है रिएक्ट की, यह सारी रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे बेसिकली। अब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ मिलके बिल्ड हुई है, लाइक इसकी जो ये नेविगेशन मेन्यू है ये एक कंपोनेंट है, इसका जो ये साइड मेन्यू है ये एक कंपोनेंट है, इसके अंदर ये जो आपको डॉक्यूमेंटेशन नजर आ रही है ये एक अलग कंपोनेंट है। अब मैं यहाँ से किसी अनदर पेज पे शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे लिंक पे क्लिक करना है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि आपकी जो सेकंड्स की, नैनो सेकंड्स की भी हम अगर बात करें तो सेकंड्स के अंदर, सेकंड से कम टाइम्स में भी ये जो हमारा जो पेज है वो लोड हो रहा है बेसिकली। ये देखें, यू कैन सी दिस, बिना किसी लोडिंग के यहाँ पे हम कहें जी ये वेबसाइट इतना लोड ले रही है, इतना टाइम ले रही है, इतना रिफ्रेश होने के बाद ही जाके इसका पेज हमें यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ठीक है। यू कैन सी दिस, ये सारे लिंक हैं जिस तरह हम लाइक सिंपल HTML CSS JavaScript से कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके अंदर जब हम हाइपर लिंकिंग करते हैं, तो हाइपर लिंकिंग में क्या होता है कि जब भी हम कोई लिंक क्रिएट करते हैं तो हम उसके पीछे पेज का लिंक देते हैं, ठीक है, तो जब वो उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो बेसिकली एक अलग पेज हमारे पास रेंडर होता है, एक पेज के बजाय दूसरा पेज आ रहा होता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट पे जो रिस्पांस है वो ज़रा टाइम लेता है, वो लोड होता है, ठीक है, दूसरे पेज को हमारे वेब के ऊपर लाने के लिए। लेकिन रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में बेसिकली राउटिंग होती है, राउटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। और अब वो उसके अंदर फिर हमारे पास आ जाती है वर्चुअल डॉम, ठीक है। तो वर्चुअल डॉम क्या होती है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट बना हुआ है, ये कंपोनेंट बना हुआ है, ये बेसिकली है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जावास्क्रिप्ट। रिप्रेजेंटेशन किस तरह से, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। अगर अब ये मेरे पास लाइक लेट मी क्विकली शो यू, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोड मैं दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब ये बेसिकली क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो क्लासेस हम पढ़ते हैं वो एक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है, एक हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट होती है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, वो मिलके एक वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। अब ये कंपोनेंट है हमारे पास, अब ये देखें, अब यहाँ पे जो हमारे पास HTML हमारी लिखी हुई है, ये डिव है, ठीक है, और इस डिव के अंदर हमारे पास एक H1 का टैग है, HTML का टैग है, शॉपिंग लिस्ट फॉर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, द प्रॉप्स प्रॉपर्टीज दैट वी आर सेंडिंग फ्रॉम अनदर कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद UL है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पे कुछ लिस्ट आइटम्स हैं जो आपको HTML के अंदर, आपको पता है कि लिस्ट के, लिस्ट आपने पढ़ी होंगी वो किस तरह से हमारे पास रिप्रेजेंट होती है, तो ये
लिस्ट आइटम, अनदर लिस्ट आइटम एंड अनदर लिस्ट आइटम, तो ये तीन लिस्ट आइटम्स। अब ये जो सारी सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ से, ये डिव से लेके ये डिव के अंदर जो रैप है, अब बेसिकली ये डिव रेंडर कहाँ पे हो रही है, ये डिव रेंडर हो रही है द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि वर्चुअल डॉम में क्या होती है, जब ब्राउजर पे लोड होती है हमारी वेब एप्लीकेशन, तो जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंट हो रही होती है, दैट वाई इट इज अ वर्चुअल डॉम, ठीक है। और इसीलिए ये इतनी फास्ट वर्क करती है। दूसरा राउटिंग होती है, राउटिंग बेसिकली क्या होती है, हमारे पास रिएक्ट के अंदर हमारे पास एक हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे अपने कोर्स के अंदर, जो कि रिएक्ट राउटर के नाम से, किस तरह से हम अपनी नेविगेशन के अंदर राउट बना के इनको हम किसी भी कंपोनेंट के ऊपर, किसी भी पेज के ऊपर जा सकते हैं विद इजीली एंड विद क्विकली एंड वेरी एफिशिएंटली, ठीक है। तो ये यू कैन सी दिस, यहाँ पे किसी भी मैं लिंक पे जा रहा हूँ तो मुझे कोई लोडिंग का इशू नहीं आ रहा, तो दिस इज वाई वी आर यूज रिएक्ट, ठीक है। This is why we are building web application with React. ठीक है, ये main जो हमारा React का जो React को use करने का purpose है। और market के लिहाज से अगर मैं एक चीज़ आपको clear कर दूँ यहाँ पे कि market में इस time जो React है वो कितनी value है, उसकी कितनी worth है, इसी वजह से उसकी इतनी value, इतनी worth है कि इस तरह के frameworks हैं जो JavaScript के Vue.js, React.js, इस तरह के Next.js, जिसके अंदर virtual DOM यूज होती है, ठीक है, जिसके अंदर इस तरह की राउटिंग होती है कि हम इतनी इतने एफिशिएंटली हम अपनी वेब एप्लीकेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी पेज दूसरे पेज पे जाने के लिए, ये देखें ना कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है, यू कैन सी दिस ईजिली, मैं किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर उसको ईजिली पढ़ सकता हूँ, ठीक है, यू कैन सी दिस, ओके, API रेफरेंस, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हाउ वी आर वर्किंग विद रिएक्ट। इस वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब फेसबुक की बात करते हैं, लेट्स सपोज फेसबुक की 2012 से पहले की बात करते हैं, ठीक है, जब रिएक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो बेसिकली फेसबुक ने ही रिएक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था, फेसबुक ने ही रिएक्ट को बिल्ड किया था। उससे पहले की अगर हम बात करते हैं फेसबुक की या इंस्टाग्राम की, किसी भी जो इस वक्त जायंट वेब एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये बेसिकली बनी है रिएक्ट के ऊपर। अब ये रिएक्ट के ऊपर शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। उससे पहले जब भी हम लाइक फेसबुक की आज से 2012 से पहले की बात करें, तो जब हम फेसबुक यूज़ करते थे, हम इंस्टाग्राम यूज़ करते, तो हमारे पास जो फेसबुक का जो रिस्पांस होता था, हमने कोई भी अपडेशन करनी होती थी अपनी लाइक प्रोफाइल्स के अंदर, अपनी किसी भी पोस्ट के अंदर कोई भी चेंजिंग अगर हमने फेसबुक पे करनी होती, तो हमारे पास जो फेसबुक का रिस्पॉन्स होता था वो इसी तरह से होता था कि जो डॉक्यूमेंटेशन है रिएक्ट की, सॉरी फेसबुक की, जो पीछे कोडिंग में सारा कोडिंग की एग्जीक्यूशन, उसकी रेंडरिंग में हमारे पास रियल डॉम की कॉन्सेप्ट थी। लेकिन जब रिएक्ट आई, सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक ऑब्वियसली जाहिर उसने तो बिल्ड किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड ऑल ऑफ दीज जायंट एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, ये अब शिफ्ट हो चुके हैं रिएक्ट जेएस के ऊपर, ठीक है, रिएक्ट नेटिव के ऊपर। अच्छा, अब इनको क्या फायदा है, अब अगर आप फेसबुक के फेसबुक पे जाएं, अपने ब्राउजर में फेसबुक ओपन करें, अब अगर आप फेसबुक को यूज करें, तो अब आपको आइडिया होता है कि फेसबुक इतनी कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, अगर आपको इसका सोर्स कोड मिल जाए तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है इस कोड के अंदर, कि इतने कंपोनेंट्स हैं, इतने कंपोनेंट्स हैं, इतनी राउटिंग है कि इनिशियली आपका जो माइंड है वो एकदम शॉक हो जाएगा। इतनी कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन को हैंडल करना रिएक्ट के अंदर, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आजकल के दौर के लिए। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी
इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द लार्ज वेब एप्लीकेशन. इसी के साथ रिएक्ट के साथ ही इन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी है उनको मेंटेन उसको मेंटेन किया, ठीक है, और कर रहे हैं, ठीक है. और इनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, ठीक है. इसी सिर्फ ये एक सिंपल सी वेब एप्लीकेशन है जो रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. यू कैन सी दिस, सिर्फ राउटिंग है ज़्यादातर, ठीक है. ये देख, अब इसको हैंडल किस तरह से किया गया होगा, इसकी सिक्योरिटी किस तरह से मेंटेन की होगी. ऑब्वियसली व्हेन दे आर बिल्डिंग समथिंग ऑन रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, नेक्स्ट जेएस, एनी फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो यू ऑलरेडी हैव अ सिक्योरिटी पैच एंड यू ऑलरेडी हैव अ शील्ड ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है. तो ये चीज़ें होती हैं कि हम बात जब बात करते हैं वाई रिएक्ट, तब ये चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए कि भाई रिएक्ट क्यों यूज़ होती है, वाई वी आर डीलिंग विद द रिएक्ट. अब वाई का कॉन्सेप्ट तो ये है, ठीक है. तो व्हाट इज़ रिएक्ट जो का जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको ऑब्वियसली रिएक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी मेन फीचर्स हैं रिएक्ट के बड़े बड़े, जिनको यूटिलाइज मोस्टली यूटिलाइज जो चीज़ें होती हैं, इस होना तो ये चाहिए कि हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए. लेकिन वो नॉलेज किस तरह से आता है वो मैं चीज़ आपको बता दूँ. हर दफ़ा मैं कहता हूँ कि जब भी आपने लाइक रिएक्ट की बात करते हैं, रिएक्ट के अकॉर्डिंग आपने अगर किसी चीज़ आपने रिएक्ट को इनडेप्थ पढ़ना है, ठीक है, आप कोर्स तो आप ले रहे हैं, आप लेक्चर्स भी ले रहे हैं, आप क्लासेस भी ले रहे हैं, आप सेशंस भी ले रहे हैं, ठीक है. आप क्लासेस के साथ आप उसको प्रैक्टिकली कोड भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज कि उसके लिए आपको चाहिए कि आप रिसर्च भी करें, ठीक है. आप काम कर रहे हैं, आप रिसर्च भी करें. आप ये आप इसी डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसी को खोल लें, ठीक है. इसको लाइक अपना उड़ना बिछोड़ना बना दो, इसको पढ़ें. इसके ऊपर जो चीज़ें आपको नहीं समझ आती उसको मजीद सर्च करें. सर्च करने से क्या होगा, एक तो आप चीज़ें कि आप पूछ लेते हैं कि ये क्या है, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर मिल जाता है. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आंसर तो मिल जाता है लेकिन समथिंग इज मिसिंग ऑलवेज, ठीक है. उसके लिए क्या करना होता है कि अगर आप पूरी ग्रिप चाहते हैं अपने रिएक्ट के अंदर, तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से पता होनी चाहिए कि जिस तरह से किसी पानी प्यासे को पानी का पता होता है कि पानी भी कोई चीज़ होती है, ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैंने आपको एक गाइडलाइन दी कि आप जो अपनी रिसर्च है उसको स्ट्रॉन्ग करें हर चीज़ पे, चाहे वो HTML है, चाहे CSS है, JavaScript है, ES6 है, React.js है, Vue.js है, Python है, जिस भी लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हैं, जिस भी जो भी आप डिवेलप कर रहे हैं, Node.js है ऑब्वियसली. तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है. क्योंकि दिन ब दिन जो ये आईटी का जो प्रोफेशन है ना, इसके अंदर जब तक आप डे बाय डे किसी भी टेक्नोलॉजी पे अगर आप काम करें तो उसके साथ आप फेमिलियर नहीं होंगे, उसके साथ अपडेट नहीं रहेंगे, तो यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप बहुत सारी चीज़ें मिस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और पिछली चीज़ें को आपको पता नहीं होगा और मजीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती जाएगी उसी के रेलिवेंट जो आपने मिस कर दिया. तो इस चीज़ का मैं आप लोग एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को अपना, अगर आप सही माने में एक डेवलपर बनना चाहते हैं तो अहम है. तो हमारा ये नहीं है कि हम बस बन गए तो बन गए, हमारा हम काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द वे दैट अपनी साइड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है. हमारे एंड से भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिस होती हैं, हमें नहीं समझ आ रही होती कभी कभी, तो उसके लिए हम रिसर्च करते हैं, बेस्ट थिंग, बजाय किसी से पूछने के हम रिसर्च कर लेते हैं और उसको हम ऑब्जर्व करके गेट भी कर लेते हैं, ठीक है. आज भी हम रिसर्च करते हैं चीज़ों पे, ऐसा नहीं है कि हम रिसर्च नहीं करते, ठीक है, क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट के अंदर, तो उसके लिए आप लोगों को इन चीज़ों के साथ फेमिलियर होना पड़ता है, ठीक है जी.
सो आई होप आज का जो सेशन है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा. आई थिंक वी आर नाउ गोइंग टू एंड द सेशन बिकॉज रोज़ा है, रमज़ान है और बोलना भी काफ़ी बड़ा मुश्किल होता है. सो यहाँ पे हम अपने सेशन को एंड करते हैं. सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी जो मैंने आपको बताया. आप इसी तरह से इनको लेके चलिएगा ताकि फ्यूचर में ये चीज़ें आपको बेनिफिट होंगी. मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ. आपका काम है कि इसको यूटिलाइज करना और चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ठीक है जी. सो मुझे दीजिए आज के सेशन में इजाज़त. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे विद अ डिफरेंट कंसेप्ट. मज़ीद चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाऊँगा, ठीक हो गया. सो अल्लाह हाफिज़, टेक योर टाइम एंड स्टे ब्लेस्ड. बेस्ट ऑफ लक फॉर द कोर्स.